हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, वायरसेस जो होते हैं वो इंट्रा सेलुलर पैरासाइट हैं, मतलब वो सेल के अंदर ही जब तक रहेंगे तब तक वो रेप्लिकेट कर पाएंगे, और अगर वो बाहर रहेंगे सेल के तो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो अगर हमें वायरस को आइसोलेट करना है तो हमें कहीं ना कहीं सेल में उनका इन्फेक्शन देना पड़ेगा, या इन्फेक्टेड सेल से ही उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो देखिए करते कैसे हैं। वायरस के आइसोलेशन के लिए तीन मेथड है, या तो हम सेल कल्चर का यूज़ कर लें, या तो एम्ब्रियोनेटेड एग का यूज़ कर लें, या लेबोरेटरी एनिमल्स का यूज़ कर लें। इन तीनों ही मेथड में हम क्या करेंगे, वायरस का इन्फेक्शन देंगे। सेल कल्चर में भी इन्फेक्शन दे सकते हैं, पहले सेल कल्चर में सेल को ग्रो करेंगे फिर इन्फेक्शन देंगे, एम्ब्रियोनेटेड एग में भी इन्फेक्शन देंगे और लेबोरेटरी एनिमल में भी इन्फेक्शन दे के फिर उनके सीरम सैंपल से आइसोलेशन करेंगे वायरस का। तो सेल कल्चर जो है मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है, मेजॉरिटी ऑफ वायरस के आइसोलेशन के लिए यूज़ होता है। एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो होता है वो आइसोलेशन ऑफ ऑर्थोमिक्सो वायरस एंड पैरामिक्सो वायरस के यूज़ होता है। एम्ब्रियोनेटेड एग्स में जो ऑर्थोमिक्सो वायरस के ग्रुप में इन्फ्लुएंजा वायरस आते हैं मेनली, उनके लिए एम्ब्रियोनेटेड एग यूज़ होता है आइसोलेट करने के लिए। लेबोरेटरी एनिमल भी डिफरेंट काइंड्स के वायरसेस को आइसोलेट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंटली और ज़्यादातर यूज़ होने वाला मेथड है सेल कल्चर। तो सेल कल्चर के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सेल कल्चर में क्या करेंगे, कहीं से हम टिश्यू सैंपल लेकर के आएंगे। टिश्यू सैंपल में से हम सेल्स को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, उसको पहले तो सीजर से कट करेंगे स्मॉल पीसेस में, और ट्रिप्सिन का ट्रीटमेंट दे देंगे, जिससे क्या होगा डिसोसिएटेड टिश्यू हमें मिल जाएगा। अब डिसोसिएटेड टिश्यू को वॉर्टेक्स करके सेल का सस्पेंशन बना लेंगे, क्योंकि टिश्यू में से सेल अलग हो जाएंगे तो सेल का सस्पेंशन बन जाएगा। उसके बाद उसको मिनिमम एसेंशियल मीडिया से वॉश करेंगे, MEM मीडिया से वॉश करेंगे, और उसके बाद फ्लैट बॉटल्स आती हैं, ठीक है, उनमें भर देंगे। फ्लैट बॉटल्स में ही क्या होता है, सेल कल्चर होता है। तो हम वॉश करने के बाद उस सेल सस्पेंशन को फ्लैट बॉटल्स में भर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम अलग से लिक्विड मीडिया ऐड करेंगे। लिक्विड मीडिया ऐड करने के बाद हम सेल्स को ग्रो होने के लिए इंक्यूबेटर में रख देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 2 दिन के लिए, या उससे कम भी रख सकते हैं, डिपेंड करेगा किस तरीके की सेल है, उनको कितना इंक्यूबेशन पीरियड चाहिए। इंक्यूबेटर में जब हम रख देंगे सेल्स को, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी वेसल होगा या कंटेनर की वॉल से अटैचमेंट होने लग जाएगा, उनका एडहेरेंस होने लग जाएगा, और फिर सेल रेडी हो जाएंगी डिवीजन के लिए भी। तो अटैचमेंट के लिए और डिवीजन के लिए रेडी करने के लिए सेल को कुछ टाइम का इंक्यूबेशन पीरियड देना पड़ता है। अब सेल अपनी ग्रो कर रही हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, वायरस का इन्फेक्शन देंगे। अब सेल कल्चर जो होते हैं वो सेल को कहाँ से हम ले रहे हैं, उसके तीन सोर्सेस होते हैं, एक प्राइमरी कल्चर होता है, एक डिप्लॉयड सेल कल्चर होता है, कंटिन्यूस सेल कल्चर होता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सेल कल्चर में, प्राइमरी कल्चर में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट टिश्यू ले लेते हैं एनिमल या ह्यूमन टिश्यू का, उसी से हम सेल कल्चर तैयार करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टिश्यू ले लेते हैं। डिप्लॉयड सेल कल्चर में हम नियोनेटल टिश्यू से सेल को अलग करते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूस सेल कल्चर में ट्यूमर टिश्यू से हम सेल लेते हैं। तो तीनों में ही सोर्सेज अलग अलग हैं, सोर्सेज के बेसिस पे सेल कल्चर तीन टाइप के होते हैं। तो हम प्राइमरी कल्चर ही मेनली करते हैं। अब क्या किया हमने, यहाँ तक क्या कर लिया था, सेल को इंक्यूबेट कर लिया था, डिवीजन के लिए रेडी कर दिया था, वो एक्टिवली ग्रोइंग कंडीशन में थी। उस टाइम पे हमने क्या किया, वायरस का इन्फेक्शन दे दिया। वायरस का इन्फेक्शन दे देंगे तो क्या होगा, साइटोपैथिक इफेक्ट होगा, सेल लाइसिस होने लग जाएगी, सेल धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। मान लीजिए 50 सेल अगर हमारे इस वेसल की वॉल से चिपकी होगी तो उनका नंबर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो वायरस साइटोपैथिक इफेक्ट फैला रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम करेंगे उसमें वायरस का इन्फेक्शन दे देंगे और साइटोपैथिक इफेक्ट को चेक करेंगे। अगर साइटोपैथिक इफेक्ट है तो फिर हम वायरस को वहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस एंड इट्स कंपोनेंट में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है। वायरसेस को हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से प्यूरीफाई कर सकते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन दो तरीके का होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हमारा सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और CSCL डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या करते हैं, हम पहले से ही क्या बना लेते हैं, ग्रेडियंट बना लेते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज लेके। लेकिन CSCL में डेंसिटी ग्रेडियंट कब बनता है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसी दौरान, हम पहले से नहीं बनाते हैं। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है, ये बैंड डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इसमें क्या होते हैं, वायरसेस सेडिमेंट होते हैं और बैंड नहीं बनाते, इसमें वायरस
सेडिमेंट नहीं होते और बैंड बनाते हैं। जैसे देखिए वायरस को सेडिमेंट होने के लिए जैसे हमने डिफरेंट सुक्रोज के ग्रेडियंट लिए हुए हैं, तो जो जिस भी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में वायरस अपना पाएगा वहाँ पे नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, इस तरह सेडिमेंट हो जाएगा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या होगा, सेडिमेंट नहीं होगा ना तो फ्लोट करेगा, वो बीच में एक बैंड की तरह बना लेगा, मतलब क्या बैंड लाइक अपीयरेंस आ जाएगा। CSCL डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड्स अपीयर होते हैं और इसमें सेडिमेंट्स अपीयर होते हैं। तो ये हमारा दोनों में डिफरेंस है, दोनों मेथड आप अलग अलग करके लिख सकते हैं एग्जाम पे। अदर टेक्निक्स में इलेक्ट्रोफोरेसिस और कॉमन कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाते हैं। दोनों ही मेथड हम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए करते हैं, वायरस के पार्टिकल्स हैं ये। उसके बाद प्यूरीफाई करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स है। प्यूरीफिकेशन के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं 260/280 पर रेशियो निकाल करके। इसके अलावा एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉट रेडियो अमीनो एसिड और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन भी मेथड है प्यूरीफिकेशन की, जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं। इन सारे ही प्रोसेस में एंटीबॉडीज़ का यूज़ करेंगे तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो एक पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में होगा उसी को हम यूज़ करेंगे। तो ये आपका पूरा हो गया है, इसके नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगी, तो आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।